दोस्तों रिलायंस जियो लेकर आ रहा है लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कि रिलायंस जियो का डीटीएच आने वाला है या जियो का कार डिवाइस आने वाला है या जियो का फाइबर नेट आने वाला है, लेकिन कुछ न्यूज यहाँ पर आ रही थी कि रिलायंस जियो का लैपटॉप भी आने वाला है। तो अभी कन्फर्म हो चुका है कि रिलायंस जियो का लैपटॉप आने वाला है और इस रिलायंस जियो के लैपटॉप में जियो का सिम भी लगने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इस जियो लैपटॉप के बारे में सारी डिटेल आप लोगों को मिलने वाली है कि कब इसे लॉन्च किया जा रहा है, क्या कुछ इसका प्राइस रह सकता है और क्या कुछ इसके फीचर्स रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर रिलायंस जियो ने काफ़ी सस्ता जो है फ़ोन लॉन्च किया था, 4G फीचर फ़ोन लॉन्च किया था पिछले साल, तो ठीक उसी तरह से इस साल यहाँ पर रिलायंस जियो काफ़ी सस्ता जो है 4G लैपटॉप यहाँ पर लाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये लैपटॉप जो होने वाला है आपका एक 4G लैपटॉप होगा जिसमें रिलायंस जियो का सिम भी लगेगा और आप बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के जो है इसमें जो है हाई स्पीड इंटरनेट का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये न्यूज़ आज निकल कर आई है, रिलायंस जियो बैट्स बिग ऑन लैपटॉप विद सेलुलर कनेक्शन इन टॉक्स विद क्वालकॉम। यानी कि यहाँ पर रिलायंस जो लैपटॉप लेकर आ रहा है वो क्वालकॉम के साथ मिलकर लेकर आ रहा है और ये जो लैपटॉप होने वाला है ये सेलुलर कनेक्टिविटी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप रिलायंस जियो का सिम लगा पाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपको जियो 4G फीचर फ़ोन के साथ में जो है सिम मिलता था, ठीक इसी तरह से इस लैपटॉप के साथ में भी आपको रिलायंस जियो का 4G सिम दिया जाएगा। साथ में उसके कुछ बंडल डाटा ऑफर दिए जाएंगे, जैसा कि रिलायंस जियो हमेशा देता है 3-4 महीने के लिए आपको फ्री में सर्विसेज दी जाएंगी इस लैपटॉप के साथ में भी। अगर यहाँ पर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको विंडो 10 जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस लैपटॉप में। और यहाँ पर बात की जाए तो कब इसे लॉन्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है न्यूज़ आ रही है क्वालकॉम की तरफ से कि वो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑलरेडी बना चुके हैं लैपटॉप को। तो यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से अब कन्फर्मेशन आना है, उसके बाद में शायद जल्दी आपको जो है रिलायंस जियो का लैपटॉप देखने को मिलेगा मार्केट में। यानी कि क्वालकॉम और रिलायंस जियो के बीच में अभी यहाँ पर जो है इसको लेकर बातचीत चल रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर जो है डेटा ऑफर्स दिए जाएंगे या बंडल ऑफर दिए जाएंगे, उसके बाद में जैसे ये कन्फर्म हो जाएगा तो जल्दी आपको जो है यहाँ पर रिलायंस जियो का लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही क्वालकॉम ने बताया कि जो स्मार्ट और कंपनी है उसके साथ भी मिलकर यहाँ पर जो है इंडिया में जो है लैपटॉप लॉन्च किया जाने वाला है क्वालकॉम की तरफ से। और क्वालकॉम यहाँ पर काम कर रहा है HP, ASUS और लेनोवो के साथ में भी काफ़ी देशों में। और क्वालकॉम के इस लैपटॉप का जो नाम होने वाला है वो ऑलवेज कनेक्टेड पीसीज होने वाला है, क्योंकि ये हमेशा जो है इंटरनेट से कनेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो सिम आपको मिलेगा वो इनबिल्ट सिम मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ था कि क्वालकॉम और जियो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं रिलायंस जियो का नया लैपटॉप जो कि जल्दी यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि रिलायंस जियो की तरफ से अब काफ़ी सस्ता लैपटॉप लाया जा रहा है, वो भी एक 4G लैपटॉप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।